हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 4 व 5 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रयास गणितीय कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने कार्यपत्रक 25 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। आगे बढ़कर के अब हम देखेंगे कार्यपत्रक 26 से कंटिन्यू। सबसे पहले कार्यपत्रक 26 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, चित्र में घोड़ों के पैर दिख रहे हैं, बताइए कितने घोड़े हैं। तो देखिए, घोड़े के कितने पैर होते हैं? 4। अब 4 के 3 समूह हैं, तो 4 की अब 12 यहाँ पर टोटल पैर अगर पूछे जाए तो 12 पैर हैं। और घोड़े के पैर दिख रहे हैं तो कितने घोड़े हो गए? तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हो जाएगा, 3 घोड़े हो जाएगा। ठीक है, 4 मधुमक्खियों के बीच बराबर बराबर घर बांटने हैं, तो देखिए यहाँ पर टोटल खन आप देख लीजिए कितने हैं, 12। ठीक है, तो 12 में आपको 4 का भाग देंगे तो 3 के समूह बन जाएंगे, प्रत्येक को 3 घर मिलेंगे। ठीक है, 3 पलंग हैं, सोने वाले बच्चे 9 हैं, तो एक पलंग पे कितने बच्चे को सोना पड़ेगा? 3 बच्चों को। ठीक है, इसी तरह से कितने जोड़ी जूते चप्पल हैं यहाँ पर? 7 जोड़ी, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से प्लेट में 12 रोटी हैं, ये 4 समूह में हैं, हर समूह में कितनी रोटी हैं? 3 समूह में रोटी हैं। ठीक है, तो ये डन होता है कार्यपत्रक 26। सिंपली समझ की कार्यपत्रक है, अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत इजी है ये कार्यपत्रक। चित्र में यहाँ पर देखिए कार्यपत्रक 27 में देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, चित्र में ऊँटों के पैर दिखाए गए हैं, तो कितने ऊँट? ऊँट के 4 पैर होते हैं, तो 3 ऊँट हो जाएंगे, 4 ऊँट हो जाएंगे, क्योंकि देखिए 4 बार समूह है। ठीक है, 4 के पैर, तो यहाँ पर 4 ऊँट है। 12 रोटियों को 4 बच्चों में बांटेंगे तो यहाँ पर 3 रोटी प्रत्येक को मिलेंगी। सागर के पास 50 रुपये है, इसे खुला कराने में 10-10 रुपये की कितने नोट मिलेंगे? 5 नोट मिलेंगी। वस्तु को दिए गए डिब्बों में बराबर बराबर रखने पर प्रत्येक डिब्बे में कितनी वस्तु आएंगी? तो देखिए 6 चॉकलेट, डिब्बों की संख्या 3, प्रत्येक में कितनी आएंगी? 2। 16 लड्डू हैं, डिब्बों की संख्या 2 हैं, तो आप कितने में बांटेंगे इनमें? 8-8 में बांटेंगे इनको, 2 डिब्बों में। 28 गेंदे हैं, डिब्बों की संख्या 7 हैं, तो 4 के हिस्से में यहाँ पर आ जाएंगे, डिब्बों में 4 आ जाएंगे गेंदे। ठीक है, एक डिब्बे में 4 गेंदे आएंगी। 15 पेंसिलें हैं, डिब्बों की संख्या 5 है, तो आप 3-3 की समूह बना सकते हैं पेंसिल्स की। 14 केले हैं, 2 में बांटेंगे तो 7 और 7 में बांटेंगे तो 2। ठीक है, तो ये डन होता है कार्यपत्रक 27। अब देखेंगे कार्यपत्रक 28, बताइए हर समूह में कितने हैं? यहाँ पर जैसे 10 तितलियाँ हैं, 2 समूह में बैठी हैं, तो प्रत्येक समूह में 5 तितलियाँ हैं। यहाँ 12 कीड़े हैं, 4 समूह में बटे हैं, प्रत्येक समूह में 3 कीड़े हैं। यहाँ 30 गन्ने हैं, 3 समूह में बटे हैं, प्रत्येक समूह में 10 गन्ने हैं। 18 तारे हैं, 2 समूह में बराबर बांटने हैं, तो प्रत्येक समूह में 9 तारे हो जाएंगे। 15 मोती हैं, 3 समूह में बांटिए, तो यहाँ हो जाएंगे 5 मोती प्रत्येक समूह में आ जाएंगे। 14 केले हैं, 2 बंदरों में बराबर बांटे हैं, बांटिए, तो प्रत्येक बंदर को यहाँ पर 7 केले मिलेंगे। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 28। अब देखेंगे कार्यपत्रक 29। फर्स्ट क्वेश्चन है, आरती ने 12 गेंदों को 4 बच्चों में बराबर बराबर इस तरह बांटा और प्रत्येक बच्चे को 3 गेंद मिली। तो देखिए आप भी बांट कर देखिए, 6 रोटियों को 2 बच्चों में बराबर बराबर बांटें तो प्रत्येक बच्चे को 3 रोटी मिलेंगी। चित्र बनाकर 6 पूड़ियों को 3 बच्चों में बराबर बांटना है आपको, प्रत्येक बच्चे को 2 पूड़ियाँ मिलेंगी। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 29। अब देखेंगे कार्यपत्रक 30। फर्स्ट क्वेश्चन है, 20 संतरों को 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटिए तो प्रत्येक बच्चे को मिलेंगे 4 संतरे। यदि एक डिब्बे में 6 गुलाब जामुन आते हैं तो 24 गुलाब जामुन रखने के लिए कितने डिब्बे चाहिए? तो 6 चौका 24, तो यहाँ पर 4 डिब्बे आएंगे जिसमें 6-6 गुलाब जामुन आ जाएंगे। यदि एक ट्रे में 6 अंडे रखे जा सकते हैं तो बताइए 18 अंडे रखने के लिए कितनी ट्रे चाहिए? तो 3 ट्रे चाहिए जिसमें 6-6 अंडे रखे जा सकते हैं, टोटल 18 अंडे हो जाएंगे। 12 रोटियों को 4 लोगों में बराबर बांटेंगे तो 3-3 रोटी प्रत्येक को मिलेंगी। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 30। तो यहाँ हमने देखा कार्यपत्रक 30, 29, 28, 27 और 26 की सॉल्यूशन। आगे की कार्यपत्रक की सॉल्यूशन हम जल्दी देखेंगे, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस एग्जाम से रिलेट, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस कक्षा से रिलेट, सब्जेक्ट से रिलेट देखते रहेंगे आपके अपने चैनल पर। तो जुड़े रहें हमारे चैनल की साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।